हेलो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं गाड़ी वॉश कर रहा था और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी किसकी है और मैं इससे धो क्यों रहा था। तो स्वागत है आप लोग का सबसे पहले वीडियो में। एंड अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 8:48 हो रहा है, ठीक है। और धूप काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, सुबह सुबह ही गर्मी के दिन आ चुके हैं। तो ये है अपने पास आज रॉयल इनफील्ड की तरफ से हंटर, जो कि मेरे एक मित्र की है। तो इस गाड़ी को आज अपने पास रखेंगे पूरे दिन और चलाएँगे और मज़े लेंगे इस गाड़ी से, और देखते हैं इस गाड़ी में कैसे कैसे क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और इस गाड़ी को चलाने में कितना मज़ा आता है, वो सब चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो में शेयर करूँगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो मैं गाड़ी को कहीं छाए पे लगाता हूँ पीछे की तरफ, देन मैं नहा लेता हूँ, देन इसके बाद सीधे निकलेंगे गाड़ी को लेकर के। तो ऐसी कुछ लगती है भाई हंटर। तो फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी एंड धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है अभी। एंड अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है करीब भाई 9:30 बज चुका है, देख लो। तो अब निकलते हैं एंड सीधे हाईवे पे जाता हूँ, सीधे वहीं पर ही गाड़ी चलाएंगे एंड इस गाड़ी के मज़े लेंगे। तो ऐसे कुछ स्टार्ट, गाड़ी का इग्निशन ऑन करने पर कुछ आवाज़ आती है, शायद हो सकता है इसके अंदर कोई मोटर लगी हुई है उस चीज़ की, मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं इसके बारे में ज़्यादा फिलहाल। तो भाई इसका एग्जॉस्ट नॉब मैंने आपको शुरू में सुना दिया था, अब सीधे निकलते हैं इस गाड़ी को ले करके। एंड एक चीज़ की दिक्कत है, मेरे पास गोप्रो का सेटअप नहीं, अपना हेलमेट मैं चेन्नई में भूल गया था, क्योंकि भाई लास्ट में अपना हेलमेट मैं वहीं लेके गया था तो उस पर सेटअप बना हुआ है। तो अभी अपने पास कोई ऐसा हेलमेट है नहीं, तो देखते हैं भाई पीछे किसी को बैठा लूँगा, देन वही पीछे से अगर कैमरा पकड़ देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर गाड़ी चलाएंगे और उसके बाद आप लोग को जो भी रहेगा वो मैं एक जगह रुक के बता दूंगा। करीब 110 करीब 90 किलोमीटर और जाना होगा क्यों इधर से? 80 मेरे घर तक तो 90 ही होगा। हाँ तो टोटल इतनी गाड़ी चल जाएगी आज। Good.
तो अभी अपने लोग को एक रूट मिला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, तो इस पर भी गाड़ी भगा करके देखते हैं। और यहाँ पर जो अपना दोस्त है ये वीडियो शूट कर लेगा, तो मैं आगे से गाड़ी भगाते लाऊंगा और ये वीडियो शूट करेगा। चलो भाई पकड़ ले। तो 110 करीब ये गाड़ी चला के लेकर आया था और मैं पीछे बैठा होता, तो पीछे का जो कंफर्ट है ना इस गाड़ी का काफ़ी सही है, मतलब और गाड़ियों के मुकाबले देखा जाए तो इसका कंफर्ट काफ़ी सही लगा मुझे। और इसकी जो कुशनिंग है ना ठीक है, मतलब थोड़ी सीट छोटी ज़रूर है लेकिन कुशनिंग अच्छी गाड़ी है, मतलब जो उसकी सीट है उसकी कुशन काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें बनाया हुआ है। अब बात करते हैं भाई अगली चीज़ जो कि है इसका फ्यूल। जब हम आए थे ना तो हमने करीब फ्यूल अप करवाया था 700 रुपये का, और उस वक्त इसमें 4 बार आ गए थे और अभी देखो कितने हुए हैं, 2 बार बचे हुए हैं इसमें, टोटल 2 बार बचे हुए हैं और 700 रुपये का तेल डाला था। एंड भाई जो इसकी सीट हाइट है ना वो काफ़ी ज़्यादा सही है, देखो मेरी हाइट है करीब 5'8" 5'9" के करीब है और मेरे दोनों पैर पूरे प्रॉपर तरीके से इस पर टच हो जा रहे हैं ग्राउंड से, इधर भी देख लो ठीक है, दोनों पैर मेरे टच हो जा रहे हैं ग्राउंड से। तो जिनकी हाइट कम भी है ना 5'7" या 5'5" उन लोगों के लिए भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी गाड़ी का जो साउंड है वो काफ़ी सही लगता है जब गाड़ी चलती है, लेकिन जब काफ़ी तेज़ स्पीड में चलती है ना उस टाइम उतना ज़्यादा साउंड आता नहीं है, थोड़ा सा मतलब इसको फील वैसा कराएगा, स्पोर्ट्स बाइक जैसा फील करवाती है। रॉयल एनफील्ड की बाकी गाड़ी आती है ना वैसा फील तो नहीं होता है, लेकिन बाकी जो स्पोर्ट्स बाइक आती है नॉर्मल उनकी तरह ज़रूर फील कराता है, थोड़ा हाई स्पीड पर अगर हम जाते हैं। बाकी इसका टायर तो काफ़ी सही लगा पीछे का, ग्रिप ग्रिप काफ़ी अच्छी है और ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा सही लगी मुझे यार, ब्रेकिंग अभी हम ब्रेकिंग करेंगे, चल पीछे बैठ और हेलमेट वगैरह पहन लेते हैं, अभी इस ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। अभी मैं करने वाला हूँ सर ब्रेकिंग टेस्ट, सबसे पहले ये मैंने भगा इसको 60 की स्पीड में ब्रेक मारेंगे, इससे आगे निकलते हैं पहले। ये 60 की स्पीड हमने टच कर दी है, अब मैं ब्रेकिंग करता हूँ। काफ़ी सही ब्रेक है, मतलब जो दूसरी गाड़ी है ना उनको मुझे पीछे का डिस्क ब्रेक जो होता है ना वो काफ़ी बेकार लगता है, इसका लेकिन काफ़ी ज़्यादा सही है पीछे का डिस्क भी, ये देखो। ABS आता है इसमें, डुअल चैनल ABS। तो ओवरऑल जो ब्रेकिंग है काफ़ी ज़्यादा सही है इस गाड़ी की, लेकिन इस पर ना जो इसका क्लच है वो काफ़ी थोड़ा सा मतलब टाइट है इसका, ये देख रहे हो ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा सही ब्रेकिंग करती है गाड़ी। तो फाइनली मैंने इस गाड़ी को चला लिया है, करीब हमने चलाया था दोनों ने मिलके 200 किलोमीटर करीब चलाई थी, एंड इस पर हमने जो ट्रिप था ना ए उसको हमने रीसेट किया हुआ था, एंड स्टार्टिंग में जो मैंने मीटर की जो वीडियो बनाई थी शुरू में बिल्कुल, तो उस पर 54F ट्रिप का जो कि फ्यूल का रहता है F ट्रिप, उस टाइम 54 था और अभी हो गया ये 61 ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इसके अगर हम माइलेज निकालते हैं, हमने 700 का से फ्यूल फिलअप करवाया था, तो अप्रॉक्स मोटा मोटा इसमें 30 का एवरेज इसने निकाल के दिया है, और दो लोगों ने इस गाड़ी को चलाया था तो इस हिसाब से इसने इस कुछ ऐसा एवरेज दिया है 30 का, इसमें दो लोग गए थे ठीक है। और ये इसका ऑडोमीटर 8122 किलोमीटर टोटल गाड़ी चल चुकी है, एंड दोबारा से अभी थोड़ी देर बाद इसमें रिफ़िल करवाएंगे क्योंकि अभी ये ब्लिंक करने लगा है ठीक है। तो ये कुछ ऐसा इसका माइलेज निकल के आता है हंटर का, 30 के करीब माइलेज दे देती है, अगर आप थोड़ा अच्छे से चलाएंगे तो 35 भी दे देगी, एक कांस्टेंट स्पीड पर अगर चलाएंगे तो इसका जो माइलेज है वो भी निकल जाएगा 35 के करीब आराम से ठीक है। बाकी फीचर्स की बात करते हैं तो इस पर आता है एक चार्जर, यहाँ पर अगर देखेंगे ना इधर पे तो ये दिया हुआ है एक चार्जर USB वाला ठीक है, इसके अंदर आप USB केबल लगा करके अपना फ़ोन यहाँ पर माउंट कर सकते हैं और वो चलते चलते चार्ज हो जाएगा अपना। बाकी ऐसा कुछ मीटर है और इस पर जो इंडिकेटर आते हैं वो आता है बैटरी का, ABS का, यहाँ पर डिजिटल दिया हुआ है, ये एनालॉग है ठीक है, जो स्पीड वाला है वो एनालॉग है, और RPM का इस पर शायद नहीं दिया हुआ है, क्यों RPM इस पर दिया नहीं है, मतलब अंदर की तरफ ये
नहीं है, इस पर आरपीएम का नहीं है, ठीक है। इधर पे गियर दिखाता है और इस पर ट्रिप है, एफ ट्रिप जो कि फ्यूल वाली रहती है जब रिजर्व में तेल लग जाता है, वो सब चीज़ें हैं इस पर। एंड ये इसका ऑर्डर जो कितनी गाड़ी चल चुकी है, ये ट्रिप ए जो हमने सेट करी थी 200 किलोमीटर करीब, ये है ट्रिप बी, ये एफ ट्रिप, और जो इसका ट्रिप है उसको यहाँ से सेट करना पड़ता है। ये जो बटन दिया हुआ है ना, इसको दबाने पर ये चेंज होता है, ठीक है। ऐसी कुछ इसकी चाबी है, यहाँ पर रॉयल इनफील्ड का जो लोगो है वो इस तरीके का दिखता है दोनों तरफ, और ऐसी चाबी मिलती है इसकी। एंड इधर पे इसका जो गाड़ी का जो स्टार्ट करने का बटन है वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, जो कि अभी मिट्टी और वगैरह में भी आता है, ठीक है। इस तरीके से इसको स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर दिया हुआ है हैजार्ड बटन, जो कि अगर आप इसको जलाते हैं तो चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं चाबी ऑन करके दिखा देता हूँ, तो ये चारों इंडिकेटर का साइन यहाँ पर आ चुका है, तो चारों इंडिकेटर चल रहे हैं, दो आगे दो पीछे। बाकी भाई इधर की साइड देखते हैं, तो यहाँ पर मिलता है अपने को इंडिकेटर का स्विच, और ऐसा कुछ हॉर्न है इसका, थोड़ा बेस है इसके हॉर्न में, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें फीचर्स मिलते हैं, बाकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। ये मैं सेकेंड डे सूट कर रहा हूँ, क्योंकि हम उस दिन आते आते काफ़ी रात हो गई थी, तो अब आज मैं अगले दिन इसका जो एंडिंग है वो सूट कर रहा हूँ। बाकी जो भी गाड़ी में था मैंने सब कुछ बता ही दिया है। एंड इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ा था ना भाई, तो इसकी गाड़ी है तो कितने का पड़ा था भाई, 213 के करीब ही गाड़ी पड़ी थी ऑन रोड, पूरा इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ करा करके, और इस पर कुछ एसेसरीज भी इंस्टॉल करवाई थी, जो कि ये है 7000 के करीब इंस्टॉल थी। एक तो ये था इसका इंजन गार्ड, एंड सेकंड चीज़ क्या लगवाई थी, सम गार्ड और नीचे वाला सम गार्ड, ये नीचे वाला स्लिप, ये यही तो बोल रहा हूँ, और ये दूसरा लेग गार्ड। अच्छा, ये लेग गार्ड भी लगाता है इस पर, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें इस पर लगाई गई थी, शीशे वगैरह इसके अभी खोल दिए हैं शायद भाई ने, ठीक है। बाकी इसकी जो लाइट है ना वो आती है हेलोजन, हेलोजन आती है इस पर, ऐसी कुछ जलती है। अभी तो पार्किंग लाइट जली हुई है, यहाँ पर इसका जो बल्ब है ये भी हेलोजन में, और इसका जो थ्रो है ना लाइट का वो काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे और गाड़ियों के कंपेरिजन में। और ये इसका ABS की तार गई हुई है, ठीक है। डुअल चैनल आता है इस पर, पीछे भी एक इधर देख सकते हैं, ठीक है। ये वायर गई हुई है इधर, एंड जो इसके टायर का जो रेशियो है साइज जो है इसका, वो है करीब इधर देख सकते हैं 40-17, ठीक है, ऐसा कुछ है। और ये C8 का टायर है, C8 का है जूम, हाँ C8 का है जूम XL, ये C8 कंपनी का टायर है, ठीक है। काफ़ी ब्रॉड टायर है, इधर देख लो। एंड पीछे की लाइट ऐसी कुछ है, और ये इसमें आता है ग्रैब करने के लिए हैंडल, जो कि काफ़ी हार्ड इसका वो मटेरियल का बनाया हुआ है सॉकर, इसमें मोनो सॉक नहीं आता, इस पर दो डुअल सॉक्स आते हैं इसमें, ये सॉकर दोनों साइड। एंड ऐसी कुछ सीट है, ठीक है। यहाँ पर लाइनिंग मिलती है, ये स्ट्रिच देख सकते हैं ब्लैक कलर की, यहाँ पर रॉयल इनफील्ड का लिखा हुआ है, और इसकी कुशनिंग काफ़ी सही है, कंफर्टेबल है इसकी कुशनिंग। बाकी अभी हम सूट कर रहे हैं जंगल के बीचों बीच, तभी इस वजह से थोड़ी नॉइज़ भी आएगी पत्तों की, क्योंकि ये पत्ते सूखे हुए गिरे हुए हैं, ठीक है। और बात करते हैं इसकी राइड की ना, तो काफ़ी कंफर्टेबल राइड रहती है। थोड़ा सा जो इसका हैंडल है ना, हैंडल बार थोड़ा सा अगर इसको रेस कर दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और हो जाएगी ये गाड़ी। इधर देखते हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा ना, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठेंगे तो इतनी इस जगह पे अगर इसका हैंडल आएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा सही होगा। और थोड़ा सा टैंक जो है थोड़ा सा ऊपर होता, थोड़ा सा इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर होती तो और ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता, क्योंकि ये देख सकते हैं बिल्कुल बराबर पर आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कम्फर्ट के मामले में थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी जो इसका जो क्लच है ये थोड़ा सा हार्ड है, यहाँ कलाइयों में आपको दर्द होने लग जाएगी अगर आप काफ़ी देर तक इस गाड़ी को चलाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी कुछ नेगेटिव थिंग है, बाकी तो भाई और गाड़ी में ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी, एंड आवाज़ भी ठीक है गाड़ी की। अगर आप नॉर्मल स्पीड में चलते हैं तो ठीक ठाक आवाज़ आती है, फील आता है आपको कि आप रॉयल इनफील्ड चला रहे हैं। अगर हाई स्पीड में चलाते हैं तो स्पोर्ट्स बाइक का भी ये फील कराती है अच्छी खासी। एंड जो इसका गियर है ना, गियर तो ऐसा कुछ आता है वन साइड वाला, तो इस पर क्या है कि अगर आप गियर शिफ्ट करते हैं ना तो यहाँ पर जूतों पे निशान पड़ जाता है काला काला, तो यहाँ पर इसमें टेप ही लगाया हुआ भाई ने, कुछ जुगाड़ बना रखा है। और यहाँ पर साड़ी गार्ड ये आता है, ठीक है। यहाँ पर वो साइड वाला वो नहीं आता, एक जो आता है ना फुट रेस्ट, एक साइड जो आता है वो नहीं आता इस पर, वो सब एसेसरीज़ का पार्ट है, वो अलग से लगवाना पड़ता है। बाकी चैन वगैरह इसकी अभी काफ़ी गंदी हो रही है, सब इसको करवाना है, ऑयलिंग वगैरह इसमें स्प्रे वगैरह डलवाना है। बाकी तो और कोई दिक्कत है नहीं गाड़ी में। तो भाई यही था इस गाड़ी के साथ पूरा सफ़र एक दिन का,
तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करके बताना। मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।